तो आज हम क्या कर रहे थे, पॉइंटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से नई फाइल लेते हैं। हाँ, न्यू फाइल ली हमने, हेडर फाइल्स को इंक्लूड। iostream.h एंड देन हैश इंक्लूड conio.h। अगर मैनिपुलेटर्स को यूज कर रहे हो तो मैनिप फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। फिलहाल हम क्लास बनाते हैं। मैंने क्लास बनाई सैंपल नाम की, उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स लिए, ए और बी नाम के, ठीक है। उसके बाद आपने पब्लिक सेक्शन के अंदर मेंबर फंक्शन बनाए। मैंने लिखा void get data, और get data के अंदर मैं ए और बी को वैल्यूज असाइन कर देती हूँ, जैसे कोई भी रैंडम वैल्यूज असाइन कर दी हमने। ए को 5 और बी को 7 वैल्यू असाइन कर दी हमने, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फंक्शन डिस्प्ले बनाया, डिस्प्ले के अंदर मैं वैल्यूज को प्रिंट करवा रही हूँ। मैंने यहाँ लिखा ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, देन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर आपकी क्लास एंड। उसके बाद मेन फंक्शन बनाएंगे। मैंने यहाँ लिखा void main। अब यहाँ देखो, सैंपल स्टार ओबीजे पीटीआर, यानी कि ऑब्जेक्ट का पॉइंटर लिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ओबीजे पीटीआर इज इक्वल्स टू न्यू सैंपल। न्यू कीवर्ड की हेल्प से पॉइंटर्स को हम वैल्यूज देते हैं ना, तो यहाँ पे सैंपल, पहले तो ओबीजे पीटीआर नाम का एक पॉइंटर ले लिया, फिर उसमें जो सैंपल का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को मैंने उसके अंदर डाल दिया। यानी अब ओबीजे पीटीआर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, सैंपल के किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे नॉर्मल अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो, मैं लिखती हूँ सैंपल एक्स या सैंपल ओबीजे, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो मेंबर्स को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ओबीजे डॉट गेट डाटा, ऐसे ही फंक्शंस को यूज करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हमने पॉइंटर लिया है, तो पॉइंटर के लिए जो आपका मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट के केस में तो डॉट होता था, लेकिन पॉइंटर के केस में क्या है, ओबीजे पीटीआर लिखा आपने, फिर उसके बाद आप लगाओगे पहले हाइफन, एंड देन आप क्या करोगे, ये ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, ठीक है। हाइफन देन ग्रेटर देन का साइन एंड देन गेट डाटा। तो ये जो हमने हाइफन और ग्रेटर देन का साइन लगाया है, ये क्या करेगा, मेंबर फंक्शन फंक्शन को एक्सेस करेगा, ये एक्सेस ऑपरेटर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन को भी सेम इसी तरीके से कॉल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गेट सी एच फंक्शन यूज किया हमने, और यहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड। जब इसको हम कंपाइल करते हैं, Alt F9 से कंपाइल करेंगे इसको। कंपाइल किया हमने, जीरो एरर्स, वन एरर। ये कह रहे गेट डाटा इज नॉट अ मेंबर ऑफ सैंपल। ऊपर देखते हैं कहाँ हमने गेट डाटा के, शायद हाँ यहाँ पर गेट डाटा में जी नहीं लगाया, इसलिए वो शो कर रहा है कि ये जो है आपका सैंपल का मेंबर ही नहीं है। आप फिर से कंपाइल करेंगे, जीरो एरर्स, रन करेंगे तो ये आ गया ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 7। तो
तो इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ पॉइंटर्स को यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कौन सा यूज होगा आपका, ये यूज होगा हाइफन एंड देन ग्रेटर देन का साइन। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ऐसे तो हमने कल ये किया ही था पॉइंटर्स को, हम किस तरह से न्यू कीवर्ड की हेल्प से पॉइंटर्स को यूज करते हैं। अब बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के साथ आप किस तरह से यूज कर रहे हो वो आ गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आपको क्लास का मेंबर, क्लास के मेंबर को यूज करना है तो हम क्लास के मेंबर को भी पॉइंटर की हेल्प से कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे ऊपर हमने ए और बी लिखे थे ना, ए और बी, और ये जो है आपकी क्या है, डाटा मेंबर्स हैं। तो डाटा मेंबर्स को अगर आपको एक्सेस करना है, ए और बी दोनों इंटीजर टाइप के हैं ना, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा इंट सैंपल, फिर उसके बाद आपका ये ऑपरेटर आ जाएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देन आपका यहाँ पर लिखा आपने स्टार पीटीआर इज इक्वल्स टू एम परसेंट सैंपल, फिर से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पर लिखोगे आप ए। इस तरह से क्या है, अच्छा ये क्या रहेगा, हाँ हाँ स्टार क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी को भी क्लियर नहीं आ रही क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो देख लेना जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, हो सकता है नेटवर्क में इशू हो आपके। नेक्स्ट है आपका दिस पॉइंटर, नेक्स्ट टॉपिक है दिस पॉइंटर। अब दिस पॉइंटर का मतलब क्या होता है, देखो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो एक जो है दिस पॉइंटर होता है वो क्लास के जो मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आप नहीं लिखते हो उस दिस को तो C++ बाय डिफॉल्ट वो पॉइंटर को उसके अंदर इंप्लीमेंट कर देता है। ठीक है, लेकिन आप इस दिस पॉइंटर को किस तरह से यूज कर सकते हो, देखो जैसे ये है आपका पेज नंबर 304 पर, व्हेन ए मेंबर फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटेड, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो, दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, तो जो दिस पॉइंटर है वो उस ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल ए मेंबर फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, C++ कंपाइलर असाइंस द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द दिस पॉइंटर। जैसा मैंने अभी बताया, जैसे ही आप मेंबर फंक्शन को कॉल करते हो ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो C++ क्या करता है, दिस पॉइंटर को अपॉइंट कर देता है, वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस की तरफ। ठीक है, और इस तरीके से जब वो फंक्शन कॉल होगा तो वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है फंक्शन, मतलब एज अ पॉइंटर दिस पॉइंटर उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को फंक्शन में पास कर देगा, और जो आपका रिजल्ट है वो एड्रेस से वैल्यूज उठाकर आपको रिजल्ट प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 304 पेज नंबर पर जी, यहाँ पर आपने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड की, उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्लास बनाती हूँ, सेम क्लास सैंपल नाम की क्लास बना दी हमने, इसके अंदर एक डाटा मेंबर लिया इंट ए नाम से, देन आपने पब्लिक, और पब्लिक के अंदर वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, और हम सिंपल कुछ नहीं कर रहे, जो एड्रेस है इस ऑब्जेक्ट का वो एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, द
ऑब्जेक्ट्स एड्रेस इज, ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपका क्या होगा, दिस। ठीक है, तो दिस क्या करेगा, अगर स्टार दिस लिख देते तो इसका मतलब उस एड्रेस पे वैल्यू, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू, लेकिन आप सिंपली दिस लिख रहे हो तो इट मीन्स क्या प्रिंट करेगा, ये एड्रेस को प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपकी क्लास एंड, यहाँ पर आप मेन फंक्शन बनाओगे, और यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया सैंपल ओबीजे। ठीक है, उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन लिया, देन आपने ओबीजे डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को कॉल किया गेट सी एच। तो ये क्या करेगा, देखो एक डाटा मेंबर लिया है ए, फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, और उस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर हमने सी आउट स्टेटमेंट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को प्रिंट कराया। दिस दिस किसको पॉइंट करेगा, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे ओबीजे प्रिंट क्रिएट किया, ओबीजे डॉट डिस्प्ले चलाया, तो ऑब्जेक्ट एड्रेस इज दिस, उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो द ऑब्जेक्ट्स एड्रेस इज, इसने क्या किया आपको एड्रेस प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, क्लियर सबको। नेक्स्ट प्रोग्राम है देखो दिस पॉइंटर का, दिस पॉइंटर का नेक्स्ट प्रोग्राम आपको नेक्स्ट पेज नंबर पर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या किया, ये प्रोग्राम आप लोग खुद करके देखोगे। ठीक है, इसके अंदर देखो तीन फंक्शंस बनाए हैं, गेट डाटा डिस्प्ले और हेडिंग्स। गेट डाटा वैल्यूज को गेट कर रहा है यानी ले रहा है, और यहाँ पे हम देखो दिस रोल नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट का रोल नंबर, ऑब्जेक्ट जब क्रिएट कर रहे हो दिस का मतलब उस ऑब्जेक्ट का रोल नंबर ले रहे हैं, इसको यहाँ यूज किया हुआ है। डिस्प्ले कराते हुए दिस रोल नंबर मतलब दिस जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है उसके रोल नंबर को प्रिंट करा रहे हैं हम। वैसे तो बाय डिफॉल्ट इसका नेचर भी यही होता है, आप दिस नहीं लिखोगे यहाँ पे तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, उसके बाद हेडिंग्स वाली एक ले ली हमने, यहाँ पे मैनिपुलेटर्स यूज किए हुए हैं हमने सेट विड्थ नाम से। ये क्या कर रहा है आपका, जो आप वैल्यू प्रिंट करा रहे हो उसके लिए स्पेस रिजर्व कर रहा है कि इतना जो स्पेस है, इतनी जो विड्थ है स्क्रीन पर, इतनी विड्थ जो है, इतनी विड्थ में आना चाहिए ये। ठीक है, तो हो जाएगा ये प्रोग्राम। ये आपकी थर्ड यूनिट आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल अगर आपको थर्ड यूनिट में कोई भी डाउट्स हो तो डाउट्स लेकर आना। ठीक है, कल हम डाउट्स देखेंगे थर्ड यूनिट के। उसके बाद जो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी है, आई होप सबकी प्रिपेयर हो गई होगी। पावर पॉइंट की बात कर रही हूँ जो आपको प्रेजेंट करना है, जरूरी नहीं है कि आपको पीपीटी ही बनानी है। जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ ना आपको, आपको सिंपली वो जो पॉइंट है चाहे पीपीटी की फॉर्म में करो, चाहे आप पिक्चर्स हैं बुक की तो पिक्चर्स रिप्रेजेंट करके, पिक्चर्स शेयर करके कर सकते हो, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उस तरीके से आपको जैसे उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो